हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं यह खस्ता नमकीन चावल और बेसन की है फ्रेंड्स। बहुत टेस्टी बनती हैं और आपने इसका साउंड तो सुना कितना क्रिस्पी और खस्ता है। तो एक बार आप इसे एयर टाइट कंटेनर में बनाकर रख लीजिए, काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं और शाम की चाय के साथ इंजॉय कीजिए। और चाहे कोई मेहमान भी आए तो उसे भी सर्व कीजिए, सभी को बहुत पसंद आएगी। और वीडियो को एंड तक देखिए तो यह जो नमकीन है बहुत ही अच्छे से बनेगी। और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, खस्ता नमकीन बनाने के लिए एक परात पर छन्नी रखेंगे और इसमें एक कप चावल का आटा लेंगे। और चावल का जो आटा है घर का पिसा हुआ है। आधा कप बेसन लेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। अगर आप घर के पिसे चावल का आटा यूज़ कर रहे हैं तो एक बार छानना जरूरी है, क्योंकि जो चावल है घर की मिक्सी में अच्छे से फाइन नहीं पिसती है, तो उसमें चावल के कण रह ही जाते हैं। तो ज़रूर छानिएगा फ्रेंड्स। अगर मार्केट का यूज़ कर रहे हैं तो नहीं छानोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वह बहुत ही बारीक आता है। तो फ्रेंड्स, आटे को छान लिया है तो अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, जिसके लिए हमें 1 टीस्पून जीरा डालना है, 1 टीस्पून अजवाइन हाथ से क्रश करके डालिएगा, फ्लेवर अच्छा आता है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हींग, 2 टीस्पून सफ़ेद तिल डालेंगे। यह बिल्कुल देखने में मार्केट जैसी लगेगी। और इसी के साथ इसमें हम 3 से 4 बड़े चम्मच घी का डालेंगे। फ्रेंड्स, इसमें आप घी का मोमन डालिएगा, बहुत खस्ता और क्रिस्पी बनेंगी। वैसे तो आप चाहो तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, अभी मेरे मिक्स करते हुए याद आया कि मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, तो अभी मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। स्टार्टिंग में डालना भूल गई थी, तो हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और वापस से एक बार सारे मसाले, नमक और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये आटे के हमें इसे एक एक बेसे में मिक्स करना है, जिससे जो नमकीन है बहुत ही खस्ता बनेगी। तो फ्रेंड्स, ऑयल और मसाला आटे में अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप मुट्ठी बांध कर देखिएगा, अगर मुट्ठी बन रही है आटे की तो यह मोमन ठीक है, अगर कम है तो आप और ऐड करिएगा। अब इस आटे को लगाने के लिए मैंने 1 कप पानी लिया है और पानी अच्छा गर्म होना चाहिए, धुआं निकलता हुआ, क्योंकि इस आटे को हमें गर्म पानी से लगाना है। तो मैं स्पून की मदद से ही आटा लगाऊंगी और थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और इस आटे में पानी को मिक्स कर लेंगे। और याद रखिएगा, पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है और आटे को हमें मीडियम सॉफ्ट रखना है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट। तो फ्रेंड्स, मैंने वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है, जिससे आप पूरा प्रोसेस देख सको और आपको बोरियत भी ना हो। तो आप देख लो, मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ और चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। अब मेरे को इसमें पानी बिल्कुल सही लग रहा है, तो मैं इस चम्मच को अब हटाऊंगी। और आटा अगर छूने लायक है, ज़्यादा गर्म नहीं है, तो अब इस स्टेज पर हम हाथ से इसे एक सासा कर लेंगे और अगर लगे तो ही हम इसमें अब पानी ऐड करेंगे, नहीं तो इससे ज़्यादा हमें पानी नहीं रखना है। तो आप देख रहे हो जो पानी है बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको लग रहा है कि पानी ज़्यादा है तो आप इसमें थोड़ा सा आटा और ऐड कर सकते हो। अब इसे हमें अच्छे से इस तरह से 2 से 3 मिनट गूंथ लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख लो आटा थोड़ा लूज ही हल्का सा, क्योंकि चावल का आटा है, पानी सोक करेगा। आधा घंटे का रेस्ट देना है अभी इसे। तो ऑयल लगाकर चारों तरफ इस आटे पर अच्छे से इसे कवर करके आधा घंटे का रेस्ट देंगे। जब तक आटा जो रेस्ट पर है, हम जिस मशीन से इस नमकीन को बनाएंगे वह तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यह चकली मेकर लिया है और इसमें इस तरह से मीडियम छेद वाली जो छलनी आए वो ले लेंगे और इस पर अच्छे से ऑयलिंग कर लेंगे। पहले मैंने इससे थोड़ा नमकीन बनाया था तो लगा रह गया, मैंने साफ करके रखा था फिर भी। तो इस पर मैं ऑयल लगा लूँगी, इसके अंदर भी लगा लूँगी, जिससे क्या है जो आटा है चिपकेगा नहीं अंदर। तो फ्रेंड्स, आधा घंटा हो चुका है, तो चलिए नमकीन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम थोड़ा सा डो लेंगे और इस मेकर में इस डो को हमें अच्छे से फिल कर लेना है। जितना आए आप उतना इस डो को मेकर में फिल कर लीजिएगा।
तो फ्रेंड्स मैंने इस मेकर में आटा अच्छे से फिल कर लिया है, तो अब इस चकली मेकर को हम पैक कर देंगे आगे से। और मैंने ऑयल को भी पहले से गरम करने रख दिया था, तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं, इसे बनाते हैं। तो आप देख रहे हो ऑयल गरम है, तो मैं इसमें थोड़ा सा आटा डाल दूंगी। आप देख रहे हो आटा डालते से एकदम ऊपर नहीं आया, हल्के से बबल्स आ रहे हैं, तो इतना गरम हमारा ऑयल होना चाहिए। अब नमकीन बनाने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें नमकीन बनाएंगे। तो अब चकली मेकर से इसमें हम नमकीन बनाना स्टार्ट करते हैं। और याद रखिएगा कढ़ाई में जितनी स्पेस है उतनी ही नमकीन डालिएगा, उससे ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो बेक करते समय दिक्कत आएगी। और इस तरह से हम इसे हल्के हाथ से फ्लिप करते हुए बेक करना है। और याद रखिएगा फ्लेम को हमेशा मीडियम लो ही रखिएगा, क्योंकि बेसन है जो जल्दी बेक हो जाता है, तो इसलिए फ्लेम को मीडियम लो रखिएगा। और इस तरह से उलटते पुलटते से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक बेक कर लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने चावल के कुरकुरे भी बनाए थे चाय के स्नैक्स के लिए, तो आप एक बार वह भी ट्राई कर सकते हो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से चेक करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नमकीन अच्छे से सिक चुकी है, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो इस तरह से छलनी में निकाल लेंगे, जिससे इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल जा रहा है वह निकल जाएगा। तो मैंने सारा नमकीन इसमें निकाल लिया है, अब थोड़ा सा हम इसमें से ऑयल को निकाल देंगे। ऐसी तरह से हम इसे पकड़े रहेंगे जिससे कढ़ाई में सारा ऑयल निकल जाएगा। और अब इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे छलनी में से, और बाकी के नमकीन भी हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए नमकीन बनके तैयार है, आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर रखिए, काफी समय तक चलेगा। और आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, तो आपकी नमकीन है बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। फ्रेंड्स अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय। मैं आपको फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में।